कोरोना सहित अन्य बीमारियों से लोग बच सकें इसके लिए योग पर जोर देने के साथ साथ आयुष काढ़े को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का आयुर्वेदिक विभाग प्रयास कर रहा है ताकि गांव के उन लोगों को भी काढ़ा आसानी से मिल सके जो संक्रमित होकर होम क्वारंटाइन में हैं। कांगड़ा जिला के आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर अंजलि शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सुबह 7:30 बजे वर्चुअली ही मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिशा में बकायदा वर्चुअली योग करवाकर लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 5,700 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य भी विभाग ने रखा है। इसके लिए बकायदा 288 ग्रुप बनाए गए हैं। जिला स्तर पर डॉक्टर आशीष नोडल अधिकारी हैं, जबकि उपमंडल स्तर पर भी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे जिला आयुर्वेदिक कार्यालय को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। इस दिशा में बकायदा कैलेंडर के तहत रोजाना योग के एक विषय पर योग करवाया जाता है। दूसरे चरण में आम जनमानस व हेल्थ वर्कर, ऑक्सीजन की जरूरत वाले लोग, बुजुर्ग व बच्चे तथा कोविड से संक्रमित होने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि वे योग के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। डॉक्टर अंजलि शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 235 ग्रुप बनाए गए थे और करीब 790 लोग लाभान्वित हुए थे। वहीं आयुर्वेदिक विभाग के डॉक्टर व फार्मिस्ट डोर टू डोर दस्तक देकर लोगों का कुशलक्षेम जानने के साथ साथ उन्हें दैनिक जीवन में कैसे स्वस्थ रहना है इसके बारे में दैनिक दिनचर्या के तहत योग को भी शामिल करने का आह्वान कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। सर, इसमें पहला हमारा जो मकसद था वो जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में हमने ये करना था कि हम इसको क्यों मनाते हैं, योग का क्या कारण है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा हमारा टारगेट जो था वो जैसे हमारा कोविड पेशेंट के लिए या अब सेकेंड फेज में जनरल पब्लिक के लिए भी लोगों को योग इम्यूनिटी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम, क्योंकि जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारा सारा जो ये है वो ठीक होगा तो बीमारियां भी नहीं लगेंगी। अब तो आयुर्वेद का जो टारगेट है वो लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो वो जो है हम योग के द्वारा अपनी मेडिसिन के द्वारा ये बढ़ाने का, और मैं ये बताना चाहती थी कि फर्स्ट फेज पे हमने क्या कवर किया और सेकेंड फेज के टारगेट हमारे क्या हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें यही है कि अब हम ये रखेंगे कि फर्स्ट फेज हमारा बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे रिस्पांस आए हमारे, जैसे कि जिन भी पेशेंट को हम करवा रहे थे उन सभी का ये आया, सब जगह से हमें फीडबैक ये मिली कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या योग करके या जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया, गाइडेंस दी, क्योंकि हमारे पूरी जो टीम है आयुष विभाग की वो पूरी लगी हुई है इस वक्त इसी कारण, तो कुछ DCC में हमारी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, 12 हमारे डॉक्टर जो हैं डिजास्टर में ड्यूटीज दे रहे हैं, डे नाइट दे रहे हैं वो। तो हमारा मकसद यही था कि हम अपने प्रोग्राम को आपको बताएं कि आयुर्वेदा विभाग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमारा क्या हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ आपने और पूछना है। चूंकि हमारा जो ये डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हमारी जो पद्धति है बहुत प्राचीन है जी, क्योंकि क्या वजह रही कि हम लोग वो माइलेज नहीं ले पाए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने दिए? जैसे आपको हमने पहले बताया कि किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए राजाश्रय जरूरी होता है, तो शायद हमें उतना आगे नहीं किया गया, तो उस करके हमारे जब आपको पता जब राजाश्रय ना हो तो कोई भी पद्धति आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अब वर्तमान में जैसे हमारी सरकार कर रही है, चाहे हिमाचल सरकार है चाहे वो देश की हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो अब इसकी तरफ उनका रुझान हुआ है, तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर हम लोग जो हैं हम लोग भी एलोपैथी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जैसे कि आपको पहले ही हमारे डॉक्टर शिव गौतम ने भी बताया कि एलोपैथी जो है एमरजेंसी जो है वो ठीक है, वो ही क्योर करेंगे, उसके बारे में हम कोई क्लेम नहीं करते हैं कि नहीं जी आयुर्वेद वाले जो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम ऑपरेशन कर देंगे कुछ कर देंगे। लेकिन आपने देखा होगा क्रॉनिक बीमारियां हैं या हमारे लीवर की बीमारियां हैं, हमारे जो स्त्री रोग की हैं, आपने कभी भी देखना कि जो औषधियां आयुर्वेद के पास हैं, इवन
आप कभी देखो कि किसी को जो स्टोन हो जाए ना, किडनी की स्टोन हो जाए, तो एलोपैथी वाले भी क्या लिखते हैं, सिर्फ नीरी टैब्स स्टोन, वो इनकी तो नहीं है। तो कुछ फील्ड जो है उसमें जो आयुर्वेद विभाग है हमारे ज्यादा ये है। क्या लगता है मैम कि कोई ना कोई लॉबी जो इसके पीछे काम कर रही है कि आयुर्वेदिक जो है वो जिस तरह से हमारा पुराना होने के बावजूद भी आगे ना बढ़े और वो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हावी रहते? मैं भी पीछे रही होगी, लेकिन अब वर्तमान में मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद को भी राजाश्रय मिल चुका है, अब हम भी कह सकते हैं कि नहीं राजाश्रय है, प्रधानमंत्री जी हमारे हमारे साथ हैं, वो आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे जो इसमें प्रदेश में हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे हमारे आयुष मंत्री हैं, वो भी इसमें पूरा पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो जो कुछ भी चला है आजकल आयुष घर द्वार, ये हमारे माननीय आयुर्वेदिक मिनिस्टर जो हैं श्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, उन्हीं की इससे हुआ है गाइडेंस से, तो मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा राजाश्रय भी मिल रहा है। मैम इस पूरे कोविड काल में हम लोगों ने देखा है कि आपके जो डॉक्टर्स थे, आपके जो हेल्थ वर्कर्स थे, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में रहे, बावजूद इसके जो इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा क्यों हुआ, आपके साथ भेदभाव क्यों हुआ? सर शायद हम लोग पीछे रह गए, लेकिन अब ऐसे नहीं है, अब जो रिसेंट रिसेंट जो हुआ उसमें हमने हमें मिल गया है, अब मिला है, अब हमारे डॉक्टर्स को भी इंसेंटिव मिलेगा, हमारे जो एमडी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी अब हुआ है, लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ कि हमें लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा इसके लिए, लेकिन चलो माननीय हमारे जो आयुष मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सैजल जी, उन्होंने बड़े प्यार से इसको लिया और उन्होंने समझा कि नहीं, जब हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर आगे काम कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए, तो जैसे हमारी तरफ से ये गई है डिमांड, उन्होंने वैसे ही उसको पूरा कर दिया।